Hi everyone, welcome back to my channel Shashi's Creativity. In today's video, I'm going to share with you two easy and beautiful planters. So please watch the video till the end. एंड फ्रेंड्स, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। देखते हैं कि ये दोनों प्लांटर्स मैंने किस तरह से बनाए हैं। तो इसके लिए मैंने एक खाली पॉट लिया है जिसे मैं पेंट करने वाली हूँ। इसको पेंट करने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ इस पर प्राइमर लगा रही हूँ। यह जो वुड वाला प्राइमर आता है वो प्राइमर है मेरे पास, मैं उसे ही यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास वॉल वाला प्राइमर है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं या फिर सिंपल जेसो भी यूज़ कर सकते हैं या वाइट एक्रेलिक कलर से भी इसको वेस्ट कोट दे सकते हैं। इसका प्राइमर कलर ड्राई हो जाने के बाद मैंने इस पर एक कोट वाइट एक्रेलिक पेंट का कर लिया है। अब वो भी ड्राई हो चुका है तो मैं इस पर पेंसिल की हेल्प से कुछ फ्री हैंड लीफ ड्रॉ कर रही हूँ। इन लीव्स को पेंट करने के लिए मैं यहाँ एक्रेलिक पेंट का यूज़ कर रही हूँ। मैं यहाँ ग्रीन एक्रेलिक पेंट ले रही हूँ और उसे ब्रश की हेल्प से इन लीफ में फिल कर दूँगी। मैं यहाँ डिफरेंट शेड के ग्रीन कलर यूज़ कर रही हूँ अलग अलग लीव्स को पेंट करने के लिए। अब फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर ग्रीन एक्रेलिक कलर में येलो एक्रेलिक कलर मिक्स करके लाइट ग्रीन कलर या पैरेट कलर बना लूँगी और मैं इनसे लीव्स को पेंट कर लूँगी। मैंने यहाँ 0 नंबर की ब्रश ली है और ब्लैक कलर एक्रेलिक पेंट से मैं इनकी आउटलाइन बना दूंगी और लीव्स के बीच में जो पतली पतली सी लाइनिंग्स होती हैं वो बना रही हूँ। फ्रेंड्स, आप इस प्लांटर को इंडोर और आउटडोर कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप इसे आउटडोर यूज़ कर रहे हैं तो इस पर एक कोट क्लियर वर्निश का कर लीजिए। इससे हमारे कलर लॉक हो जाएंगे, ना तो वो धूप में निकलेंगे और ना ही पानी से। तो रेडी है हमारा ये ब्यूटीफुल सा प्लांटर। मुझे तो ये बहुत पसंद आया, आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो फ्रेंड्स, यह है हमारा सेकंड प्लांटर। इसको मैंने कैसे बनाया है आइए देखते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर फूड कंटेनर का यूज़ किया है और वॉल पुट्टी डो का यूज़ कर रही हूँ। वॉल पुट्टी डो कैसे बनाते हैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पर चेक कर लीजिएगा। अब इस वॉल पुट्टी डो की पतली शीट बनाकर हम इस कंटेनर को चारों ओर से कवर कर लेंगे। वॉल पुट्टी शीट का जहाँ भी जॉइंट आ रहा है वहाँ पर फिंगर टिप पर थोड़ा सा पानी लगाकर इसके सरफेस को स्मूथ कर लीजिए।
थोड़ा सा उंगलियों को गीला करके इसके सरफेस को स्मूथ कर रही हूँ। अब मैं यहाँ एक ब्रश ले रही हूँ और ब्रश के पीछे की साइड से मैं इस पर यहाँ कुछ लाइंस ड्रॉ कर रही हूँ। अब फ्रेंड्स इस बॉक्स के जो किनारे हैं उनको कवर करने के लिए मैं इस तरह से वॉल पुट्टी डो की पतली पतली शीट बना लूँगी और इसके जो किनारे हैं उन पर लगा दूँगी। वॉल पुट्टी डो के साथ कवर करने के बाद ये एकदम मजबूत हो गया है और बहुत खूबसूरत भी लग रहा है। तो अब इसको थोड़ा सा ड्राई होने के लिए रख देंगे। अब इसका प्लांटर का जो बेस तो रेडी हो चुका है, लेकिन इसको डेकोरेट करने के लिए मैं यहाँ कुछ फ्लावर्स बना रही हूँ, जिसके लिए मैं वॉल पुट्टी डो का ही यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास क्ले है तो आप क्ले का भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से छोटे छोटे पार्ट्स मैं इस डो के ले रही हूँ और उन्हें लीव्स का एक पैटर्न दे रही हूँ। अब फेविकॉल की हेल्प से मैं इन्हें स्टिक कर लूँगी। फ्रेंड्स इस फ्लावर पर थोड़ी सी डिटेलिंग कर लेंगे। तो इसके लिए मैंने फेविकॉल का कैप लिया है, जिसे मैं इसके बीच में रखकर थोड़ा सा सर्कल बना लूँगी और इस तरह किसी सेफ्टी पिन से लेकर आप इस लीव्स को भी थोड़ी डिटेलिंग कर सकते हैं। अब इसी तरह से मैंने इस बॉक्स के चारों साइड्स में थोड़ी थोड़ी दूर पर फ्लावर्स बना लिए हैं। अब इन फ्लावर्स को अटैच करने के लिए मैं इनकी स्टेम्स बना रही हूँ। हमारे ये प्लांटर्स पे सारे फ्लावर्स हो गए हैं रेडी। अब हम इनकी लीव्स बना लेंगे। लीव्स की जो डिटेलिंग के लिए मैंने यहाँ पर अपना जो क्राफ्ट कटर होता है वही यूज़ किया है। फ्रेंड्स इस प्लांटर को और डेकोरेट करने के लिए मैं यहाँ पर दो हनी बी बना रही हूँ, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं।
फ्रेंड्स, इस प्लांटर को बनाने के बाद मैंने इसे ओवरनाइट ड्राई होने के लिए छोड़ दिया था। अब मैं इस पर कलर कर रही हूँ, तो कलर आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कोई सा भी कर सकते हैं। तो मैं इसके जो बॉर्डर है उस पर ब्लू कलर कर रही हूँ, और बाकी प्लांटर का जो बेस है उस पर मैं ब्राउन कलर से पेंट कर लूँगी। फ्रेंड्स, इन फ्लावर्स को पेंट करने के लिए मैंने ऑरेंज एंड येलो का कॉम्बिनेशन रखा है, एंड जो लीव्स हैं मैंने उन्हें पैरट ग्रीन और ग्रीन कलर से पेंट कर लूँगी। आप ये कलर अपने चॉइस के अकॉर्डिंग रख सकते हैं। अब मैंने इन बी को भी पेंट कर दिया है और मैं इन्हें ड्राई होने के लिए रख दूंगी, और बाद में इन्हें फेविकॉल या हॉट ग्लू गन की हेल्प से स्टिक कर लूंगी। अब इस प्लांटर पर मैं यहाँ पर क्लियर वार्निश का एक कोट कर रही हूँ, इससे इसके कलर लॉक हो जाएंगे और ये हमारे कलर निकलेंगे नहीं, और एक शाइन भी इस प्लांटर पर आएगी। तो फ्रेंड्स, रेडी है हमारा ये ब्यूटीफुल सा प्लांटर बहुत ही कम बजट में। अगर आपको ये दोनों प्लांटर्स के आइडियाज़ पसंद आए हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको इसी तरह लो बजट DIY वीडियोस देखना पसंद है तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और मैं एंड स्क्रीन पर अपनी प्लेलिस्ट लगा दूँगी, आप वहाँ पर भी इसी तरह के DIY चेक कर सकते हैं।